हमने नेक्स्ट क्लास में 12 चैप्टर जो पढ़ा था उसके बाद 13 चैप्टर है हमारा, वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। आप सबको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा भी कहते हैं, उसी के बारे में आज इस पाठ में बताया गया है कि वो कहाँ से लिया गया है, उसकी रूपरेखा कैसी है, जो उसमें रंग है तीनों, उन तीनों रंगों का क्या महत्व है, वो किसको प्रतीक, वे किसके प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज पाठ 13 प्रस्तुत पाठ हमारे संपादक मंडल द्वारा संकलित किया गया है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास तथा महत्ता के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। हमारी धर्म निरपेक्ष संस्कृति में एकता तथा भाईचारे का संचार करने में विशिष्ट मानक चिन्ह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं मानक चिन्हों में से एक है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। बहुत सारे चिन्ह है हमारे देश का, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। इस तिरंगे के लिए कई दशक से हमारे असंख्य सैनिकों एवं नागरिकों ने अपना बलिदान दिया ताकि यह हमारी अपनी पहचान, हमारी यह पहचान अपनी शान बनाए रखे। प्रत्येक देश की अपनी पहचान होती है, प्रत्येक देश संसार में अपनी पहचान के लिए कुछ विशेष चिन्ह अपनाता है। आप देखते हैं कि जब भी कोई मैच होता है, कोई जैसे ओलंपिक्स मैच होते हैं या वर्ल्ड कप होता है किसी भी खेल का, सभी देशों के अपने अपने जो फ्लैग होते हैं, जो ध्वज होते हैं वो लगे होते हैं, उनसे हम पहचान जाते हैं कि वो टीम कौन से देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये कहती है कि प्रत्येक प्रत्येक देश संसार में अपनी पहचान अलग से बनाने के लिए कुछ विशेष चिन्ह अपनाता है जो देश की जनता को भी एक सूत्र में बांधता है। हमारे देश में ऐसे चीजों का अत्यधिक महत्व है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष राज्य है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान होता हो या सभी धर्मों के लोग वहां पर रहते हैं, अतः यहाँ कई धर्मों और जातियों के लोग निवास करते हैं। उन सबके बीच एकता तथा भाईचारे का संचार करने में ये विशिष्ट चिन्ह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ की धरती और लोगों का प्रतीक है। यह तीन रंग की समान चौड़ाई की आयताकार क्षैतिज पट्टियों से बना है। ध्वज में तीन रंग होते हैं, समान चौड़ाई की पट्टियां होती है। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया और नीचे ही हरे रंग की होती है। बीच की पट्टी श्वेत रंग में सफेद रंग की होती है जिसके केंद्र में जो बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है। इसमें समान दूरी पर स्थित 24 तीलियां बनी है। समान दूरी यानी कि जब चक्र बनाया जाता है तो उन तीलियों का जो गैप होता है, जो वो समान जो उनकी दूरी होती है वो समान होती है। चक्र का प्रारूप यानी कि चक्र का जो प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया? सारनाथ भी अशोक के सिंह स्थान पर बने चक्र से लिया गया है। जो उसका प्रारूप है, जो उसको बनाने का तरीका है वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में अशोक के सिंह स्थान पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। यह अशोक चक्र सफेद पट्टी पर दोनों तरफ फैलता है। पूरा ध्वज आयताकार है। अगर आपसे पूछे कि तिरंगा कैसा है, पूरा ध्वज हमारा जो तिरंगा है वो आयताकार है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी 3:2 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया तो आप कह सकते हैं कि भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और उसका जो अनुपात है वो 3:2 है। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया कि ये भगवा या केसरिया रंग, बताते हैं कि कौन सा रंग किसका प्रतीक है। भगवा या केसरिया रंग त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है, यानी कि केसरिया रंग है वो हमें ये बताता है कि हमें दूसरों के लिए त्याग और निस्वार्थ भाव रखना चाहिए। श्वेत रंग अर्थात सफेद रंग जो है वो सत्य के पथ का जो हमारे आचरण को निर्देशित करता है। सफेद रंग हमेशा हमें ये बताता है कि हमें सत्य की और ये चलना है। हरा रंग हरियाली का अर्थात धरती और पेड़ पौधों के साथ हमारे संबंध को व्यक्त करता है। हरा रंग जो है प्रकृति में हमारे संबंध
सत्य और धर्म उसका नियंत्रक सिद्धांत है जो इस ध्वज के नीचे काम करती काम करते हैं। फिर चक्र बुद्धि का भी प्रतीक है। चक्र हम देखते हैं कि किसी भी गाड़ी में आप पहिया देखेंगे तो वो पहिया लगातार चलता रहता है, तो चक्र हमारे जीवन को लगातार चलते रहने की प्रेरणा देता है। गति में जीवन है अर्थात की जीवन में गति है, गति में जीवन है कि जब तक जीवन में गति है वो चलता रहेगा। भारत को गतिमान रहना और आगे बढ़ना है। पहिया जो चक्र है वो ये बताता है कि जो भारत देश है उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना है। सरकार समय समय पर सरकार द्वारा समय समय पर जारी और प्रमाणिक साबित निर्देशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन राजचिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनादर की रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971 की व्यवस्थाएं लागू होती है। अर्थात की कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, इसके लिए भी कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 सभी संबंधित लोगों के मार्गदर्शन और लाभ के लिए इस प्रकार के सभी कानून और परंपराओं और दिशा निर्देशों को साथ लाने का प्रयास किया है। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 में लिया, अर्थात इसका नाम चेंज हो गया। ध्वज संहिता भारत का नाम भारतीय ध्वज संहिता ने ले लिया। इसमें दी गई व्यवस्था के अनुसार इसमें व्यवस्था दी गई थी कि इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने कार्यालय में निजी कार्यालय में भी भारतीय ध्वज को फहरा सकता है, पहले ही मनाई थी। इसमें दी गई व्यवस्था के अनुसार सामान्य लोगों निजी संस्थाओं और शिक्षा संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्थात की निजी ऑफिसों में स्कूलों में कभी नहीं, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने में कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले मनाई थी, पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी या फिर बिल्कुल तरह से मनाई थी कि आप बिना इसके परमिशन के आदेश के ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अब जब ये 2002 में भारतीय ध्वज संहिता आई उसमें कहा गया कि आप ध्वज की मर्यादा और सम्मान के अनुरूप जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता में विस्तार से लिखा हुआ है कोई भी राष्ट्रीय ध्वज सभी दिन साल में कभी भी समारोह या अन्य अवसरों पर फहराया जा सकता है। कहा गया है कि 2002 की ध्वज संहिता है उसमें बताया गया कि आप राष्ट्रीय ध्वज को फहरा कर सकते हैं लेकिन पूरे सम्मान के साथ। जिसका आगे का पार्ट है तो हम नेक्स्ट